किश्तवाड़ में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है असेंबली इलेक्शंस के लिए हाथ आजमा रहे हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज में एक बहुजन समाज पार्टी भी है और अगर हम देखें पूरे जिले किश्तवाड़ में 25,000 से भी ज्यादा वो बहुजन समाज का है। इसी बहुजन समाज पार्टी से किश्तवाड़ के 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट अरशद मुताहिर किचलू जो है वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, ये पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी का जो है वो क्या मकसद है और क्या वो लोगों के लिए कहना चाहते हैं और क्यों ये इलेक्शन को जो है उठ रहे हैं। अरशद, क्या बताएंगे आप जो है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, हमने देखा पार्लियामेंट में भी आपके कैंडिडेट थे, तो बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पर किश्तवाड़ में अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखा रही है, किन चीजों के लिए और किन मुद्दों को लेकर जो है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आसिफ साहब, जैसा कि आपको बखूबी इलम है कि असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, हर एक सियासी जमात हर एक किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात के पास कोई भी तरक्याती एजेंडा नहीं है। हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो हमारा आईन है, जिस आईन के आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने रिलीजियस राइट को कंजर्व करे। आर्टिकल 25 में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, हम अपने रिलीजन को प्रोपगेट करें, हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करें। लेकिन आपको कौन रोक रहा है? अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो शायद हमें मस्जिदों में नमाजें पढ़ने ना दी जाते। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, वही मैं बोल रहा हूं ना कि आपको रोक कौन रहा है, वही बता रहा हूं मैं। इसी तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, गलियों के नाम बदले जा रहे हैं, औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति शाहजी नगर कर दिया गया है। वही मैं बता रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन को। शिवाजी से क्या परेशानी है? वो एक वॉरियर रहे हैं, अगर रखा नाम तो कौन सी। मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें 3 हिस्सों में ट्राइफर्केट किया जाता है, उसमें मेडिवल जो वर्ल्ड है वो सबसे सुनहरा दौर रहा है, लेकिन क्या किया गया कि हमारी हिस्ट्री को जो है इरेडिकेट किया गया, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि औरंगाबाद में क्या ऐसी बुरी बात थी कि उसको मिटा के उसको खत्म करके जो है छत्रपति के नाम पे रखा गया। इसी तनाजुर में आपको बताता चलूं कि जिस शख्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं, मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं, कि मेरे स्कूल के दौर में मुझे उस मटके से पानी पीने नहीं दिया जाता था जिस मटके से बाकी बच्चों को पानी पिया जाता था। मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना शिबली नोमानी ने 1921 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। उसी तनाजुर में आपने बताया कि आपका इस इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो रहेगा, तो दो इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा कि सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी की, मसावी हुकूक। जो बहुजन समाज पार्टी है वो मसावी हुकूक की बात करती है, जिसमें मुसलमानों की बात की जाए, चाहे दलितों की बात की जाए, चाहे आदिवासियों की बात की जाए, चाहे गुजर बकार वालों की बात की जाए, हर मंच पे बहुजन समाज पार्टी जो है हर एक सेक्ट की जो है मुकम्मल नुमाइंदगी करती है। देखिए, आपने पाडर चूज किया है, जाहिर से तौर से बात है कि पाडर एक हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बताया जा रहा है, हालांकि उतने वोटों का फर्क नहीं है, 3,500 वोट ज्यादा है। तो ये क्या सोचकर जो है वो आपने वहां से जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और क्या आपकी नजर सिर्फ जो बहुजन समाज का वहां पर तकरीबन 2,500 के करीब वोट है उस पर है, या एक ब्रॉडर विजन को लेकर जो है वो आप पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं? आसिफ साहब, मैं आपको बताता चलूं कि लोगों का एक रोष रहता है कि पढ़े लिखे जो नौजवान है वो सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, चाहे हम लेजिस्लेटर की बात करें चाहे पार्लियामेंटेरियन की बात करें, इनके 3 अहम रोल रहते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट करना, और दूसरा हुआ कि बजट को फ्रेम करना। और बजट को इस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए कि पॉलिसीज इस तरह से बनानी है ताकि ग्रोथ, टेक्निकल भाषा में ग्रोथ बोलते हैं, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बदकिस्मती से हम ऐसे लोगों को यहां से नुमाइंदगी करने के लिए भेजते हैं, जब बजट पढ़ा जाता है तो वो वहां पे नींद करते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक पार्लियामेंटेरियन ने जो है जब बजट पढ़ा जा रहा था टेक्निकल वर्ड्स आ रहे थे तो उसको आपका इशारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ। मेरा इशारा यही है कि देखिए, जब पोर्टफोलियो की बात आती है तो हाउस में देखा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा लीडर कौन है,
और उसको फाइनेंस का डिपार्टमेंट मिलता है, क्योंकि पॉलिसीज को फ्रेम करना होता है, ठीक है ना। जो ये लेजिस्लेटर्स चुने जाएंगे, चाहे पार्लियामेंटेरियन चुने जाते हैं, उनको पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है। हम आज के दौर में बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी जब पॉलिसीज ही अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सेंटर की एक पॉलिसी है पीपीटी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। एक पॉलिसी ऐसी है कि जितने भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन, एक टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, ग्रोथ नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा तो हमें 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 आप मुझे बता रहे क्यों नहीं हो रहा है? हमारे प्रोजेक्टों में तो 10,000 से ज्यादा लोग लगे। तो पार्टनर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं पॉलिसीज की बात नहीं, पॉलिसीज आप हो रहे हैं कि जॉब नहीं क्रिएट हो रहे हैं, तो इधर तो स्टार्ट में इतने मैं ब्रॉडर वही मैं बता रहा हूँ, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे जो है प्रॉपर रिक्यूरमेंट नहीं हो रही, 10,000 से ज्यादा फिर कौन है? हाँ, प्रॉपर रिक्यूरमेंट है। आप देखो कि हमेशा कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से एक बात कही जाती है कि स्किल्ड लेबर यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कंपनी मैनेजमेंट पे एक जिम्मेवारी आयद होती है कि वो वहां पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है खोले, वहां के इलाके की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्यों करे काम? एक तरफ से तो वो इलेक्टोरल ब्रांड में पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से काम क्यों करें वो, ये चीजें नहीं। आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जो है सबसे ज्यादा किस पार्टी को पैसा नहीं, लेकिन मिला तो सबको है। जी जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिसीज बात फिर वही आती है कि पॉलिसीज को। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी है, और उसकी जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और 3 टियर एग्जामिनेशन होता है। और ब्यूरोक्रेट्स करते क्या है? ब्यूरोक्रेट्स का काम ये रहता है कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। पॉलिसीज बनाता कौन? पॉलिसीज बनाता है लेजिस्लेटर, पॉलिसीज बनाता है पार्लियामेंटेरियन। यानी कि अगर यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह से यूपीएससी का एक सिस्टम है कि क्वालिफाइड बंदे जो है वो आगे आते हैं, तो पॉलिटिशियन को भी क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि मौलाना हसरत नोमानी बोलते थे कि तालीम एजुकेशन शेरनी का दूध, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरा यही मानना है कि गलत पॉलिसीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे जो है फर्क पड़ रहा है, गलत पॉलिसीज गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि हम गलत रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए आप पॉलिसीज की बात कह रहे हैं, रिजर्वेशन भी तो है, इतनी रिजर्वेशन से 50% के करीब रिजर्वेशन, फिर भी देश क्यों नहीं बदल रहा है? आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, आपने नुमानी इसको भीमराव अम्बेडकर साहब को कोट किया कि वो जिस मटके से दूसरे लोग पानी पीते थे उसको नहीं दिया जाता था। आज भी कहीं ना कहीं अल्लाह का फजल है, हमारे जिला किश्तवाड़ में ये सब चीजें नहीं है। यहाँ पर हमने देखा ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी लोग हैं, हम मुस्लिम हिंदू हैं, हम सब एक साथ खाते पीते हैं और एक दूसरे के यहाँ पर जाते भी हैं। अगर कल जन्माष्टमी है, अगर आप खड़े रहेंगे तो आधे से ज्यादा दलित जो है वो सरपुट के गौरीशंकर मंदिर में होंगे। तो इतने रिजर्वेशन देने के बावजूद भी जो है समाज क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों आप, बेशक आप मुस्लिम हैं, लेकिन क्यों बहुजन समाज जो है वो आज भी कह रहा है कि हम पिछड़े हुए हैं? आसिफ साहब, मैं आपको इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे 5 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, 5 हाइडल प्रोजेक्ट्स में हायरार्की में मुझे बताएं कि कितने मुसलमान, कितने दलित चीफ जनरल मैनेजर हैं, कितने एचओपीज हैं। कोई भी आपको आपने हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात की, मुझे एक दलित दिखाइए हायरार्की में, एक दलित दिखाइए, एक मुस्लिम दिखाइए, एक गुजर बकर वालों में दिखाइए, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर सेक्ट को जो है वो सारे ओहदे थोपे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों की बात करती है, दलितों की बात करती है, मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देता है। आर्टिकल 29 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात हो रही है, आर्टिकल 29 में, मुझे बात कंप्लीट, आर्टिकल 29 में रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मींस जबान ग्रुप विद इन लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। अच्छा, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की जाती है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट। अगर मुझे देश का कानून मुझे ये अधिकार देता है कि मैं मुस्लिमों की बात करूं, मैं दलितों की बात करूं, तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज से नहीं रोक सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताना, आप अपने आप को क्वालिफाइड बता रहे हो, अल्लाह के फजल से आप MSc भी हो और भी कुछ आपके पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्रीज है। जो रिजर्वेशन है दलितों को, जो रिजर्वेशन दी है जिन वोटों के ऊपर जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी की पार्टी, वो लड़ रही है, रिजर्वेशन होने के बावजूद भी दलित क्यों पिछड़ा है? मैं पिछले दिनों कोर्ट से करीबी लेयर को लेकर भी डिसीजन आया, आज भी अब उस पर हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 14 वो बात करता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल। आप मुझे बताइए, एक बंदा जो एसी में
ठंडी हवा लेकर बहुत ही लग्जरियस एजुकेशन प्राप्त कर रहा है और एक हमारा बच्चा, दलित बच्चा, मुसलमान बच्चा, बकरवाल बच्चा पहाड़ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, आप उनको कैसे आर्टिकल 14 जब बता रहा है, जब हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यही बता रहा है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी, आप एसी में बैठने वाले और पहाड़ पे बैठने वाले देखिए, यानी कि जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इस वक्त ये बिल्कुल सही नहीं बैठता है। और आपके कहने का मतलब ये है कि एक जो बच्चा है उसको तालीमी तौर पर रिजर्वेशन दी जाए, उसको इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दी जाए, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो रिजर्वेशन है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, हमें तब तक मतलब उनको रिजर्वेशन देनी है जब तक ना वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे वो इकोनॉमिकली उनको असिस्ट किया जाए, चाहे फाइनेंशियली असिस्ट किया जाए, चाहे मॉरली असिस्ट किया जाए, लेकिन सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी की जो मैंने बात की कि हमारी पार्टी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो सोशल इक्वालिटी है और सोशल जस्टिस है, तो सोशल इक्वालिटी को बरकरार करने के लिए हमने अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए और इक्वल्स को इक्वली। आप किश्तवाड़ के लिए क्या एजेंडा है आपका, आप किन मुद्दों पर यहाँ पर लड़ेंगे? जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब कार्ड से हटकर हमारा जो एजेंडा है कि जो हमारे सुनहरे दौर थे, चाहे हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो उस सुनहरे दौर को फिर से वापस लाना है, फिर से सर उठाकर जीने का दौर वापस लाना है। जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें अपने मेडिकल सेक्टर को हमने इंटेंसिफाई करना है, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इंस्टीट्यूशन चाहे वो आप बात करो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, उनको भी इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, टेलीकम्युनिकेशन को इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, रोड कनेक्टिविटी को चैनलाइज करने की जरूरत है, लेकिन इन सब से परे मैं बताना चाहता हूं कि सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे इस असेंबली इलेक्शन में। तो वोटर्स को क्या आप बोलेंगे? मैं किश्तवाड़ की बागुयूर आवाम को, बिलखसूस पाडर नागसेनी की तमाम आवाम को ये गुजारिश करूंगा कि वो बहुजन समाज पार्टी के हक में अपना वोट दें। आप का हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया अरशद किशलू साहब का। साफ ये कहना है कि जब तक एक इंसान को एज ए इंसान ट्रीट ना किया जाए तब तक इस समाज की जो है वो काया नहीं पलटेगी। इस समाज की काया तभी पलटेगी और हम सब तभी एक साथ हो पाएंगे और एक मंजिल तक पहुंचेंगे जब हर एक इंसान को बराबर ट्रीट किया जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।